सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार आज मैं एक ब्रांड न्यू के साथ है जिसमें कैसे हम लोगों को दिखाने वाले हैं कि मेडॉक हमारे स्काई ब्लॉक में हम कैसे लाएं। और गाइस हमने अराउंड कल वाली लाइव स्ट्रीम पर हमने किया था क्या कि हम वुल्फ स्लेयर को मार रहे थे क्योंकि हमारे को लेवल 3 करना था। तो हमने अराउंड 2 T3 का वुल्फ स्लेयर मारा था, मतलब मैंने नहीं मारा था, एक बंदे ने मारा था, उसका नाम आई थिंक डेथ गेमर 6252 था। ठीक है, तो बंदे ने भाई अच्छा खासा हेल्प किया, बस सेइंग लाइक ही व्यूज माई सब्सक्राइबर। ओके, तो यहाँ पर किस मैडॉक्स बात फोन, मतलब बैट फोन जो है वो हमारा अनलॉक हो चुका है। गाइस यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि मतलब रेड क्लॉ रिंग जो है उसके लिए गाइस आपको इंचेंटेड लेता लगेगा। तो गाइस मैं बहुत सारे बंदों को बोलता था भाई कि अगर आप काउ मिनियन या शिप मिनियन लगाते हो तो वुल और लेदर या फेदर आप बचा कर रखो, उससे क्या होगा गाइस कि आपको बाद में कोई रेसिपी है जो आपका आने वाला है। तो मतलब मुझे पता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि गाइस मैं ऑलरेडी एक सर्वर खेल रहा हूँ, सर्वर का नाम मैं नहीं लूँगा। ठीक है, तो उसमें मुझे देखा था मैंने, तो मुझे याद था। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट इस लेदर को भी रख देते हैं और गाइस अच्छा खासा भी लेदर लगने वाला है। तो भी गाइस 2-4 काउ मिनियन भी हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन गाइस उससे पहले गाइस हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जाकर दिखा देते हैं कि स्लेयर का रेसिपी क्या है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मेडॉक्स। मेडॉक्स के लिए हमारे को लगेंगे 7 कॉबल स्टोन एन्चेंटेड, 1 रेड स्टोन और 1 ये। ठीक, उससे पहले गाइस हम चलते हैं आपको जाकर दिखाते हैं हमारा स्लेयर लेवल। ठीक है, तो मार्केट जोन पर हम चलते हैं फटाफट। सबसे ईजी होता था गाइस मार्केट जोन पर जाकर, आपको स्ट्रेट जाना होता है। ठीक है, आप रोक शॉट लेकर ही रहना अपने फर्स्ट इन्वेंट्री पे, इन्वेंट्री के जो फर्स्ट नंबर आता है ना उस पर आप क्या बोलते हैं रोक शॉट को रखना, उससे क्या होगा आप स्पीड भाग पाओगे। तो यहाँ पर मेडॉक्स पर आ जाते हैं, यहाँ पर चलते हैं हम स्लेयर पर, स्लेयर लेवल पर। यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा 3 हो चुका है, 3 में गाइस हमारा मेडॉक्स मिलता है। तो हमने थंबनेल के लिए वो फ़ोटो निकाल लिया। ओके, उसके बाद गाइस ये स्वॉर्ड बनता है और वो स्वॉर्ड गाइस एकदम ख़तरनाक स्वॉर्ड है, मतलब उसके जितने पैसे लगने वाले ना गाइस, मतलब ये देखो भाई गोल्डन टीथ। और गोल्डन टीथ कैसे बनते हैं बताया गाइस आप लोगों को, 2 स्टैक नॉर्मल वुल्फ के टीथ और हाफ स्टैक इंचेंटेड गोल्ड, समझ रहे हो। इसमें देखो गाइस इसमें तो 4 ही, इसमें टोटल 8 लगने वाला है वो रिंग बनाने के लिए भाई, मतलब समझ रहे हो। तो फटाफट क्या करते हैं हम मेडॉक्स बनाते हैं। एड मेडॉक्स शॉर्टकट टू योर स्काई ब्लॉक मेन्यू अलाउइंग यू टू कॉल मेडॉक्स फ्रॉम योर आइलैंड। तो फटाफट क्या करते हैं हम घर चलते हैं और यहाँ हमारे दिखाते हैं मिस्चीफ का। मिस्चीफ के लिए भी भाई मतलब भाई देखो भाई कितना ज़्यादा प्राइस है, मतलब हमारी मतलब 7 पुश्तें हैक हो जाएंगी, मतलब 7 पुश्तें इतनी होंगी यार, टाइम लगेगा 6-8 महीने। ठीक है, तो अपन गाइस ग्रोथ ये देखते भाई ग्रोथ है क्या। यहाँ पर 2 पर तो ये रहता है गोल्डन टीथ का रेसिपी, और गाइस ये ग्रोथ आर्मर है किधर, मेरे को देखना है, मेरे को जानना है, आज जानना है भाई मेरे को ग्रोथ आर्मर। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बंदों के पास भाई, देखता हूँ क्या सीन है उसका। यहाँ पर फार्मिंग में प्रो कलेक्शन देख लेते हुए, लेकिन फार्मिंग में ग्रोथ दिखाई नहीं। ओके, माइनिंग पर तो होना चाहिए। माइनिंग पर भी नहीं लग रहा है, आई थिंक सो नहीं, माइनिंग पर भी नहीं है। उसके बाद के इस कॉम्बैट पर देख लेते भाई, कॉम्बैट पर तो होना चाहिए। ओके, इसमें मैग्मा आर्मर दिख रहा है। लीपिंग शॉट, ओके, स्पाइडर बूट्स, ओ भाई ब्लीस आर्मर क्या ज़बरदस्त लग रहा है, ख़तरनाक लग रहा है। ओके, इस पर भी नहीं है यार क्या, आई थिंक फॉरगेनिंग पर है भाई। फॉरगेनिंग पर होगा तो कुछ ज़्यादा ही प्राइस होगा मुझे जैसा लग रहा है। भाई भाई चकावत। ओके, हेलमेट ऑफ ग्रोथ भाई, ग्रोथ मतलब भाई चकावत भाई, मतलब भाई 5 स्टैक लगेंगे सिर्फ हेलमेट बनाने के लिए, मतलब भाई मतलब मजाक चल रही है, मजाक बनाए रखा है क्राफ्टर वालों हैं कि जितना प्राइस लाई चकावत, मतलब गाइस 24 स्टैक 5
एक मिनट, 1 2 3 4 5, 3 2 5 3 8, 8 5 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 स्टैक सिर्फ 24 स्टैक इंचेंटेड, इंचेंटेड मतलब नॉर्मल नहीं कहीं से, इंचेंटेड लगने वाला है ग्रोथ आर्मर के लिए भाई, मतलब चक्कावत। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे देख सकते हैं कि तेलिस्मान है वर्ड एफिशिएंट इफिनिएट तेलिस्मान, इस पर गई दस प्लस मिलेगा ग्रैंड, ये वाले भी बना लेंगे, इसमें हटफुल लगा देंगे। ठीक है, और कि जो भी आपके पास आर्मर होता है, मतलब आपके पास एक्सेसरीज बैग में जो भी तेलिस्मान होता है उस पर हार्टफुल और फेथफुल आपको लगाना होता है, आई थिंक सो फेथफुल लगाना होता है, हाँ फेथफुल लगाना होता है। ठीक है, तो फटाफट हम चलते हैं अपना यहाँ पर, कहाँ पर है हमारा, हमारा ये इंचेंटेड आयरन, ओके यहाँ पर से एक इंचेंटेड आयरन ले लेते हैं, ओके और यहाँ पर के सामान वगैरह रख देते हैं, और अभी गाइस क्रीपर पे भी काम हमारा चल ही रहा है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, और अभी गाइस मेरे को काउ मिनियन पर काम करना पड़ेगा यार, 2-4 काउ मिनियन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेदर वगैरह उठाना पड़ेगा हमारे को। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो इस कितने सारे हमारे पास रेडस्टोन ब्लॉक है, तो एक रेडस्टोन ब्लॉक उठा ही लेते हैं, मतलब रेडस्टोन ब्लॉक नहीं उठाना है, नॉर्मल रेडस्टोन उठाना है, और यहाँ पर से हमारे को उठाना है कॉबलस्टोन, और इस कॉबलस्टोन के लिए ग्राइंड करना पड़ेगा यार, सुपर कम्पैक्ट वाला बनाना ही पड़ेगा जिसमें सब में लगा पाएंगे, और कहते हैं पर मैं डॉक्स हमारा बना लेते सबसे पहले पर ये, ओके आई थिंक सो राइट क्लिक करना, मतलब नॉर्मल क्लिक करना पड़ेगा, ओके यू कैन नाउ कॉल माय डॉक्स फ्रॉम योर स्काई ब्लॉक मेन्यू, कहाँ है कहाँ है कहाँ है हमारा माय डॉक्स, ओके इसी रहा कॉल करते हैं, टिडिंग 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 टिडिंग, ओके भाई अनलॉक हो गया, और आय हाय हाय आय हाय हाय हाय, मतलब इसमें सारा क्लियर कर सकता हूँ, मतलब बैंक में पैसे होने चाहिए कहीं से, यहाँ पर देख सकते हो, और इस बैंक का भी है कि नहीं आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ऐसे करके अगर बैंक में भी रहा तो मतलब इजी होगा ना हमारे लिए, कि फिर से लगा कर देखते कॉल यार, ही ही फिर से कॉल करते हैं यार मेडक्स को, ही मज़ा आ रहा है करने में, ही फिर से करते यार, रुको रुको रुको, और भाई यहाँ पर वाओ का मैसेज आए, ओके डिस्कॉर्ड का मैसेज छोड़ो, ओके यहाँ पर से अपनी इंचेंटेड रख देते गई, और ये वाले वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते गई, लेते हैं आप लोगों से अलविदा, फिर से एक बार कॉल लगा लेते हैं लास्ट बार, कॉल लग जाए चल लगा दे, टिडिंग 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 टिडिंग, ओके भाई अनलॉक हो गया, मेरा उस बेलाइक तेरी माँ का रख साले रख, फ़ोन करता है कॉल बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस ये है क्या मुझे बताना, कॉम्बैट विजडम रिवॉर्ड, तो ये वाले वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं गाइस, और हम भी गाइस ग्राइंडिंग कर रहे हैं मैग्मा आर्मर के लिए, आप लोगों को पता है अगर तो आप लोगों ने बोला था मैग्मा आर्मर बनाओ, मैग्मा आर्मर बहुत हेल्प करता है रेवेनेंट से पहले, तभी गाइस मैग्मा आर्मर पे सबसे पहले भी ग्राइंड कर रहे हैं, 3 मैग्मा मिनियन हमने लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर गाइस आर्मर वगैरह हम देखते हुए, तो ये वाले वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेते हैं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं किसी और वीडियो पे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।